कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया संत पौलुस के हृदय परिवर्तन का पर्व मनाती है। उनका जन्म तार्सुस में हुआ था, जो कि सिसिलिया प्रोविंस में आता है। संत जेरोम के अनुसार उनका परिवार गलीली था और वे बेंजामिन ट्राइब से संबंध रखते थे। बचपन में खतने के समय उनका नाम साउल रखा गया। उन्हें दो नागरिकता प्राप्त थी, क्योंकि वे यहूदी थे। उन्हें रोमन नागरिकता भी प्राप्त थी। वे तंबू के कपड़ों को बनाया करते थे, ताकि वे तंबुओं को स्थापित कर सके। उनकी मातृभाषा आरामाइक थी। उन्हें ग्रीक भाषा का भी ज्ञान प्राप्त था। जब वे छोटे थे, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए यरूशलेम भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने ग्रीक भाषा में शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु गमालियन थे, जो कि बहुत अधिक बुद्धिमान थे, और वहाँ की सनेड्रिन महासभा में उनका मुख्य स्थान था। संत स्टीफन की शहादत के समय हमें पता चलता है कि साउल वहाँ पर उपस्थित थे, और उन्होंने उनकी शहादत के समय इस बात का समर्थन किया और उन्होंने ख्रिस्तियों पर अत्याचार किया। उन्हें आज्ञा मिली थी कि वे सभी ख्रिस्तियों को, जो कि दूसरे शहरों में भी स्थित हैं, उन्हें जंजीरों से बांधकर वे यरूशलेम में लेकर आए। और इस आज्ञा के द्वारा साउल ख्रिस्तियों पर अत्याचार किया करते थे, ख्रिस्तियों को मारते थे और उन्हें उनके घरों से घसीटकर लेकर जाते थे। जब साउल एक बार दमस्कस ख्रिस्तियों को पकड़ने के लिए जा रहे थे, उसी समय प्रभु यीशु उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मुझे क्यों सताते हो, तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो। और उसी क्षण वे अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। साउल को कुछ भी नज़र नहीं आता है, वे अंधे हो जाते हैं। तब अनानियास को प्रभु स्वप्न में दर्शन देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास साउल आएगा। और जब साउल उसके पास आता है, तब अनानियास उसकी आँखों पर हाथ रखता है और साउल को दृष्टि प्राप्त होती है। वह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाता है और बपतिस्मा ग्रहण करता है, और भोजन करके उसके शरीर में बल आ जाता है। उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया है, प्रभु के प्रेम को उसने जान लिया है, क्योंकि प्रभु ने उससे कहा था कि साउल, तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो। अब उसका मन परिवर्तन हो गया है। अब वह साउल नहीं रहा, परंतु अब वह पौलुस बन चुका है। संत पौलुस ने उसी समय से निर्णय किया कि वे प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाएंगे, वे अपने विश्वास का साक्ष्य देंगे। पौलुस ने घूम घूम कर कई देशों में जाकर प्रभु के वचनों को लोगों को सुनाया, एवं कलीसिया की स्थापना में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम संत पौलुस के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु के वचनों को देश के कोने कोने में पहुँचाएँ, और विशेष रूप से हम प्रभु के वचनों में अपने आप को लीन कर लें। How do I say thank you, Lord, for the way that you love and the way that you come, for all that you've done and all that you're
My heart pours out. Thank you.